प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, मीट पीपल विद गुड मोरालिटी, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। इट मीन्स हमें लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आइदर वो हमारे एल्डर्स हों या फिर वो एज फेलोज हों या फिर वो हमसे छोटे हों, और हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए और किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज लेक्चर। एज यू ऑल नो वी हैव स्टार्टेड टेंसेस, दैट इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टूडेंट्स। आपको समझ आ रही है? वेरी गुड। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को स्टार्ट किया और प्रेजेंट टेंस के सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस को वन बाय वन डिस्कस किया। नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल को हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। लुक एट हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, अली डज नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये दोनों हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, क्योंकि हमने कहा था नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट वर्ड यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमने नॉट वर्ड यूज़ किया है और इस सेंटेंस में भी नॉट वर्ड यूज़ किया है। स्टूडेंट्स, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड। इस सेंटेंस में हमने यूज़ किया है डज नॉट और इस सेंटेंस में हमने यूज़ किया है डू नॉट। तो ऐसा क्यों है? क्या इसका कोई रूल था? वेरी गुड। अगर हमारे पास सेंटेंस में ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो तो हम डज नॉट यूज करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सेंटेंस में आई, दे, यू, वी या फिर प्लूरल नाउन्स हों तब हम डू नॉट यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल लुक एट हेयर, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस में ही था इसलिए हमने डज नॉट यूज़ किया। नाउ लुक एट हेयर, इट डज नॉट रेन। आपको याद है हमने कहा था अगर हमारे पास सेंटेंस में इट हो तब भी हम डज नॉट यूज करते हैं। नेक्स्ट, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अगर हमारे पास सेंटेंस में आए हो तब हम डू नॉट यूज करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। ओके क्लास, इन आवर टुडेज लेक्चर वी विल लर्न अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोगेटिव? इट मीन्स द सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए उस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क और इस सेंटेंस के लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। लुक एट हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। ये सिंपल सेंटेंस है। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, डज शी सिंग अ सॉन्ग? Is there any difference between these two sentences? Okay, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। You go to market. Next sentence is, do you go to market? क्या इन दोनों sentences में कोई difference है? Think about it. Very good. Interrogative sentences start with do or does
आपने नोट किया होगा, हमने उन दोनों सेंटेंसेस में डू या फिर डज इस्तेमाल किया था। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्टार्ट में हम डू और डज को प्लेस करते हैं। अब डू कब प्लेस करेंगे और डज कब प्लेस करेंगे? क्या हम अपनी मर्जी से प्लेस कर सकते हैं? थिंक अबाउट इट। वेरी गुड। इसके लिए भी बेटा वही रूल होगा जो हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज किया था। मीन्स डज हम यूज करेंगे जब ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन हो, और डू हम यूज करेंगे जब सेंटेंस में आए, दे, यू, वी या फिर प्लूरल नाउन्स हो। फॉर एग्जाम्पल, शी ईट्स एप्पल्स। अब इस सेंटेंस से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो हमने अभी कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्टार्ट में हम डू या फिर डज को यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे हम डू यूज़ करेंगे या डज? रिकॉल करें। वेरी गुड। हमने कहा था अगर हमारे पास सेंटेंस में शी हो तो हम डज यूज़ करते हैं। तो फिर हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? डज शी ईट एप्पल्स, और लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क को पुट कर देंगे। एक और एग्जांपल देखें। अली गोज टू स्कूल। हेयर अली इज सिंगुलर नाउन, और अगर सिंगुलर नाउन हो तो हम क्या यूज करते हैं? डू और डज। वेरी गुड। डज डज अली गो टू स्कूल, और एंड पे हम क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज दे प्ले इन द गार्डन। नाउ सेंटेंस में हमारे पास यूज हुआ है दे, और अगर दे सेंटेंस में यूज हो तो हम क्या यूज करेंगे? डू यूज करेंगे। वेरी गुड। डू दे प्ले इन द गार्डन? स्टूडेंट्स, अगर हम दे की जगह यू राइट करेंगे तो इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? क्या हम डू यूज करेंगे या डज? वेरी गुड। डू यूज करेंगे। डू यू प्ले इन द गार्डन? सिमिलरली अगर हम वी राइट कर दें तो भी यहाँ पे डू यूज होगा। डू वी प्ले इन द गार्डन? ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टूडे। हियर इज योर होम असाइनमेंट। मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम सिंपल सेंटेंसेस। दे प्ले क्रिकेट। अली कैचेज अ बॉल। सारा सिंग्स अ सॉन्ग। वी वॉच टेलीविजन। आई गो टू स्कूल एवरी डे। आपने सेंटेंसेस से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।